मैं सोच रहा हूँ वो जो पिछला वाला जमीन का टुकड़ा है ना जिस पर पानी नहीं पहुँचता था वहाँ जैतून की काश्त कर लो। अच्छा थैंक यू। आजकल इन भी बहुत है। अच्छी बात। दुआ नहीं होती? नहीं, मैं जगाने गई थी उसे उसके कमरे तक, लेकिन शायद रात को ठीक से सोई नहीं। सो रही है अभी। बस हो गया परेशान, उसे अभी जगा कर उठा कर नाश्ता करवा दूंगी। आप तो अपना नाश्ता खत्म करें, आपको ऑफिस जाना है। ताबेन बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, आप नाश्ता करो, आपको ऑफिस जाना है ना। बाजी, दुआ बाजी की पसंद के सारे फूल मैंने इसमें लगा दिए। अच्छा ठीक है, अंदर फूल बदल दिए? जी, सारे दुआ बाजी की पसंद के लगाए। आप अंदर का काम देखो। चलिए सही, साफ सफाई ध्यान से कीजिए। क्या बात है, कुछ कहना चाह रही? हाँ वो ताबीन, तुम दुआ के लिए तकी की बात कर रही थी ना? मेरे ख्याल में तुम तकी से पूछ ही लो तो बेहतर। लेकिन दाई, उस दिन तो आप मना कर रहे थे। हाँ वो उस वक्त दुआ की खुशी का ख्याल था, अब उसकी भलाई का ख्याल है। एनीवे, तुम तकी के ख्यालात जानने की कोशिश करना। उसको किसी भी बिना पे फोर्स मत करना प्लीज। और ना ही उसको ये लगे कि ये सवाल हमारे घर से है। मैं सब समझती हूँ, आप बिल्कुल इस बात की फिक्र मत करें। इस घर की इज्जत मेरी दी से। ताबीन, अगर तकी और तुम्हारे घर वाले राजी हो जाते हैं तो मैं खुद दुआ को मोटिवेट करूंगा। चलता हूँ, अल्लाह। मेरे तो दिल और दिमाग के दरवाजे बंद थे, लेकिन इन्होंने अपने दरवाजे बंद नहीं किए मुझ पे। लेकिन एक बात का हमेशा दुख रहेगा दुआ, तुमने अपने दरवाजे बंद करने में बहुत जल्दी कर दी मुझ पे। दुआ, दुआ किधर हो? यहाँ हूँ, आ जाओ। क्या हाल है? ठीक, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सेकंड पोजीशन, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तुम्हें खास तौर पर मुबारकबाद देने आई हूँ। थैंक यू सो मच। पहले बताती थी कि आ रही हो, मैं कुछ अच्छा सा खाना बनवा लेती। अरे वो भी तो पहुंचने वाली है। लेकिन जनाब, हम आपको ट्रीट देने आई हैं। आपके पसंदीदा ढाबे पे जाएंगे, खाना खाएंगे और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। लेकिन नो, लेकिन विकी, बस तय हो चुका है, हम जाएंगे। ठीक है, हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं तो फिर तुम लोगों को ना कहना मुमकिन नहीं। वैसे मेरा मुँह तो घर पे खाना खाने का ही था। अरे सोचो ना, ढाबा, लॉन्ग ड्राइव, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। क्या हुआ दुआ, इतनी खामोश क्यों? कुछ तो बोलो ना यार। क्या बोलूं रदा, कुछ अर्से से लगता है जैसे अल्फाज ही नहीं। सोचना अच्छा लगता है और बोलना बेकार। एक तल्ख वाक्य को खुद ही सवार कर लेना कोई अकलमंदी नहीं होती दुआ, इसे भूलने की कोशिश करो। अकलमंदी नहीं है, लेकिन इंसान मजबूर होता है। किसी को अपनाना या छोड़ देना आपके इख्तियार में है।
लेकिन किसी को भूल जाना और याद रखना आपके अख्तियार में नहीं है। दुआ, तुम्हें मुस्तजाब बहुत याद आते हैं ना? दाई, थैंक यू। दुआ की फ्रेंड्स आई थी, उसे अपने साथ घुमाने फिराने लेके गई। जी जानता हूँ। तुम्हें कैसे पता? मैंने जेवेरिया को फोन किया था और इसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज कोशिश करके वो दुआ को इस ज़हनी दबाव से बाहर लेकर आए। पहले से भी ज्यादा फिक्रमंद हो गया हूँ मैं दुआ के लिए। तुमने बहुत अच्छा किया मेरी जान। बस कोई अच्छा रिश्ता देखकर दुआ की शादी की फिक्र करो। जी, और इसी मकसद के लिए मैंने ताबीन को उसके महके भेजा। क्या मतलब? समझी नहीं। मुस्तजाब वापस आ गया और प्रिटेंड कर रहा है कि दीन की तरफ मायल हो रहा है। दुआ के रास्ते में आ रहा है जानबूझकर। ये तो दाई बहुत खतरनाक सूरत हाल है। मेरी बच्ची तो पहले ही ज़हनी कर्ब और अज़ियत का शिकार है। मुस्तजाब की ये हरकत तो उसे मजीद इस तरह में मुब्तला कर देगी। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम फौरी तौर पर दुआ का दूसरा निकाह करते हैं। दूसरा निकाह? लेकिन किससे? तकी से। तकी? तकी आपको नहीं पसंद? नहीं बेटा, पसंद ना पसंद की बात नहीं है, समय इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। अम्मा, मैं जानता हूं कि अभी तक इतना वेल स्टेब्लिश नहीं है। ना कोई इसका कोई जायदाद, कोई ग्रैंड बिजनेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दुनियावी एतबार से भी देखा जाए तो कोई इतना ब्राइट फ्यूचर नहीं है। लेकिन लेकिन अम्मा, आप जानती हैं इनमें से कुछ भी दुआ की तरजीहात में शामिल नहीं है। उससे तो महज नेकी, शराफत, परसाई और मोहब्बत दरकार है, और ये खसूसियात हैं तकी में। दाई, तुम्हें लगता है कि दुआ तकी से निकाह के लिए काम आदा कर पाएगी? यार पिक्चर्स बनाते हैं। और दुआ, तुम बहुत प्यारी लग रही हो और ये कलर भी तुम पे बहुत सूट कर रहा है। मगर तुमने अब नोट किया है, हमारी दुआ की ब्यूटी तो शुरू से लाजवाब है। आना देखो, कैमरा ने भी कितनी खूबसूरती से कैप्चर किया। अच्छा बस बहुत हो गई पिक्चर्स, हम कुछ खाने को चलते हैं, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है। यार खाने से पहले फ्रेश जूस पीते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। दुआ, हम जूस पीने के लिए जा रहे हैं और खाना भी ऑर्डर करेंगे। दुआ, भाई मैं वाकई बहुत खुश हूँ। इतने खुश कि कभी कभी अपने आप को चुटकी काट के देख रही, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम सिर्फ खुश नहीं बल्कि खुशकिस्मत हो, क्योंकि किस्मत वालों को ही इतने अच्छे घर वाले मिलते हैं। वैसे आपको दयान की फैमिली पसंद आई? हाँ बिल्कुल,
दयान उस फैमिली से मेरा पहला तारुफ जरूर है, लेकिन जैसे जैसे मैं बाकियों से मिलता रहा सबने ही अपना घर विदा बना लिया। वैसे आपको उनकी फैमिली में सबसे ज्यादा कौन पसंद आया? क्या मतलब, ये क्या सवाल हुआ? सादा सा सवाल है, ऐसी कौन सी शख्सियत है जिससे आप सबसे ज्यादा मुतासर हुए? भाई सभी अच्छे हैं, मतलब निम्रा आंटी, सजाद अंकल, एवरीबॉडी इज गुड। और दुआ? ताबीन? नहीं, मतलब अगर दिल में ऐसे कोई जज्बात हैं और उसका इजहार कर दिया जाए तो इसमें कोई जुर्म नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे एक मिनट, क्या हो गया आपको? बैठ जाएं। देखें, अगर इस किस्म की कोई बात है भी तो इसमें कोई हर्ज नहीं, और आप इस मौजू से इतना क्यों कतरा रहे? मैं तो इस मौजू से कतरा रहा हूँ या नहीं कतरा रहा, तुम मुझे ये बताओ तुम क्या एजेंडा लेकर आई हो आज? भाई घर वाले दुआ के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, और मैंने पहली बार आपकी आंखों में किसी लड़की के लिए जज्बात देखे। अगर ऐसा कुछ है तो इजहार करने में देर ना करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हिचकिचाहट किसी गैर का भला करते हैं। लेकिन देखो तब इन बात ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि दुआ कभी भी मेरे मुतालिक ऐसा सोच सकती है। एंड सेकेंडली मुझे डर भी लगता है कि कहीं मेरे दिल की फीलिंग्स जानकर उनकी नजरों में मेरी कीमत गिर ना जाए, फिर एक दूसरे से कतराना पड़ेगा, बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। कॉफी पी। थैंक यू। बड़ी मुश्किल से बनी। झूठ नहीं बोलती ना दुआ, तो बता ये आंसू खौफ में निकले हैं या मेरी याद में? शायद इन आंसुओं का ताल्लुक आपसे हो, लेकिन अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्यों मेरे रास्ते जुदा हैं। अच्छा, अगर हमारे रास्ते जुदा हैं तो हमारे रास्ते बार बार क्यों मिल जाते हैं दुआ? हम एक दूसरे से कैसे टकरा जाते? हम इत्तेफाके नहीं मिलते मिस्टर जान, हम इसलिए टकराते क्योंकि आप जानबूझकर मेरे रास्ते में आते हैं। जो खुदा पे यकीन नहीं रखता ना दुआ, उसकी मखलूक भी उसका यकीन नहीं करती, तो इसलिए अब मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है। शायद तुम इस बात का यकीन ना करो, लेकिन जो खुदा तुम्हारा है वो खुदा मेरा भी है, और मैंने उसको पुकारा, उसको रिक्वेस्ट की, क्योंकि मेरे जज्बात में इतनी सी भी सच्चाई है तो दुआ को मेरे सामने लिखे ताकि मैं उससे माफी मांगू, और अगले लम्हे तो मेरे सामने हो दुआ, तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस खुदा का अब तक मुझसे ताल्लुक है दुआ। आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? इन बातों का क्या फायदा है? ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारा अकीदा खुशबू बन के मेरे अंदर बस चुका है, जैसे लोग पुराने जमाने में किताब में फूल रखा करते थे ना, तुमने अपना अकीदा रख दिया है दुआ।
तो मेरे साथ नहीं होता क्या हुआ? तुम्हारा खुदा अब तक मेरा बन के मेरे पास। चलो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूं। इतनी दूर तो किसी अजनबी पे भी भरोसा कर सकते हैं। बोल रहे दुआ यार, वो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो दाई? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह मासूम भोला भला सीधा साधा इंसान नहीं हूं। दुनिया के छल फरेब और धोखे बहुत अच्छे से समझता हूं मैं। और ये वही मुस्तजाब है ना जो कल तक हमारे ईमान और अकीदे का मजाक उड़ाता था, इन्हें पुराने जमानों के किस्से कहा करता था। कोई ताकत, कोई मोहब्बत, कोई रिश्ता उससे अपनी गलती तस्लीम करने पर मजबूर ना कर सका। और आज इतने महीनों में वो इतना बदल गया कि उसकी दुनिया ही बदल गई। दुआ यार, इतनी उजलत में तो मौसम नहीं बदलते, आसमान का रंग नहीं बदलता, इंसान का दिल कैसे बदल सकता है? भाई, इंसान का दिल तो एक लम्हे में अपनी हालत तब्दील कर लेता है। खुदा की मोहब्बत तो आसमानी बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से अपना वार करती है। जर्रा जर्रा आफ्ताब बन जाता है और काली स्याह रात चमकता दिन बन जाती है। दुआ, ये वही इंसान है जिसने तुम्हें धोखे से अपने जाल में फंसाया था। क्यों बोल रही हो? शादी से पहले उसने क्या कुछ गलत बयानी तुम्हारे साथ नहीं की, और शादी के बाद हर कही हुई बात से मुकर गया वो। और शेजा, अगर हमें हकीकत से आगाह ना करती तो आज तुम शायद उसी मुनकर के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही होती, वो तुम्हें अपने अमाल की खबर तक ना होने देता। हुआ लेकिन दयान, मेरा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो क्यों मेरे रास्ते में आएगा? वो क्यों खुद को बिलीवर प्रिटेंड करेगा? क्या मिलेगा उसे? क्योंकि वो इतना जालिम है कि अपने रब के जात की नफी करता है। वो इतना ईगोइस्टिक है कि उसे खुद की नफी बर्दाश्त नहीं होती। एक बार फिर वो अपनी जात के गुरूर का निशाना बनाने पर तुला हुआ है तुम्हें, लेकिन मैं इस बार होने नहीं दूंगा। हो रहा है बॉबी? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा? खुशी से मर जाती शायद, घर आंखों पे यकीन आता। सब दुआ करें उसको भी यकीन आ जाए। अगर उसे यकीन आ गया तो वो फिर से जी उठेगी। मेरे बगैर मर रही है बेचारी। कौन, किसकी बात कर रहे हो? दुआ, मैं उससे मिला था, उसकी आंखें आंसुओं से नम थी, होंठ मुस्कुराहट से आ रही है, उसके गानों पे इज़ा का मौसम उतरा हुआ था। मेरी दूरी, मेरी चिताई उसे लम्हा लम्हा खोखला कर रही है। और खोखले दरख्त बहुत देर तक अपनी जगह पे कायम नहीं रहते। कल
हल्की सी आंधी उनको उनके बल गिरा देती है। तो तुम्हें यह लग रहा है कि तुम्हारा बनावटी ईमान और जाली इबादत उसके वजूद के लिए आंधी साबित होगा। जंग रातों से लड़ी जाती है मां, दासों से जीत ली जाती है। एक बात बताऊं बॉबी, तुम्हारी दूरी और जुदाई उसे कितना भी कमजोर कर दे तो वह गिरेगी नहीं, उसका ईमान उसे गिरने नहीं देगा। मेरा ईमान तो इसके मुकाबले में बहुत कमजोर है ना, लेकिन फिर भी भरी अदालत में बेटे के खिलाफ गवाही देते हुए मेरे कमजोर ईमान ने भी मुझे गिरने नहीं दिया। बेटे की मोहब्बत पे ईमान गालिब आ गया, नहीं झुकी मैं तुम्हारी मोहब्बत के आगे। तुम दुआ को क्या झुकाओगे? We'll wait and see, Mom. We'll wait and see. Yes, let's wait and see now. I'm praying, Matt. बहुत अच्छी तरीके से बात कर आई हूं तकी भाई से, यूं समझ लें कि उनके दिल में झांक कर आई हूं। अच्छा, तो फिर क्या देखा आपने उनके दिल में? आप माइंड तो नहीं कर जाएंगे? इतने दिनों में आपने मेरी नेचर का अंदाजा नहीं लगाया। मैं बहुत लॉजिकल, अक्लो फहम से चलने वाला इंसान, तभी तो मैं कहती हूँ आपका साथ मिल जाना मेरी खुशकिस्मती की दलील। Anyway, come to the point. क्या है तकी के दिल में? दुआ। Are you sure? तकी भाई ने जरा भी मजामत नहीं की, बल्कि उन्होंने तो फौरन एतराफ कर लिया कि वो कुछ दिनों से दुआ के लिए कुछ खास जज्बात महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत खौफजदा हैं। खौफजदा? उन्हें लगता है दुआ और उनके दरमियान बहुत फासला है। दुआ उन्हें बहुत काबिल एहतराम और बुलंद नजर आती है। उन्हें लगता है दुआ उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो ये बात ओपन करके आप सबकी नजरों में अपना मकाम खो बैठेंगे। अब बताएं क्या करना है? Just wait. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तकी, क्या हाल है, किधर हो? बस अभी ऑफिस से घर पहुंचा। तुम बताओ खैरियत? हाँ हाँ सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यार एक अर्जेंट काम है, करता है? हाँ तो बोलो ना, तमीज क्यों मान रहे हो? दुआ यूनिवर्सिटी गई है, कुछ डॉक्यूमेंट जमा करा रहे थे, मुझे उसको पिक करना था, लेकिन मैं एक ऑलरेडी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि तू उसे पिक कर ले और घर ड्रॉप कर दे? हाँ श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चला जाता हूँ। नंबर है ना तुम्हारे पास दुआ का उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए? हाँ नंबर है मेरे पास, मैं मैनेज कर लेता हूँ, तुम अपना सुकून से मीटिंग अटेंड करो। थैंक्स यार। अच्छा सुनो, दुआ को बता देना कि तुम उसे पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो। क्या
भाई मैं उससे ये कैसे कह सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ ना, दुआ का भाई हूँ मैं, और शर्मिंदा भी हूँ कि मैं सिर्फ अपनी बहन की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ। देखते कि मैं जानता हूँ कि तू उसे पसंद करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तेरा इजहार उसको एक नई सोच पर गामसन कर देगा, उसकी जिंदगी में हवा का एक ताजा झोंका आए और उसे एहसास हो कि वो खुली फिजा में सांस ले सके। बता मुझे, करेगा ऐसा? तो सुन रहा है ना तकी? अरे तक्की, आप यहाँ? जी मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो सलामती भेजने में हमेशा पहर कर जाते हैं आप। बस इस मामले में थोड़ा खुशकिस्मत हूँ। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। अरे नहीं, दयान मुझे पिक करने आ जाएगा। थैंक यू। वो एक्चुअली दयान ने ही मुझे कॉल की थी, मीटिंग में है, बिजी है, तो उसे थोड़ा वक्त लगे, तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। ओ, तो फिर चलते हैं। मेरी कंपनी आपको बॉदर तो नहीं करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने क्यों ऐसा सोचा? वो आप खासा तकल्लुफ बरतती हैं ना, इसलिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में अगर दयान मुझे पहले बता देता तो मैं अपनी किसी दोस्त के साथ घर चली जाती। आपको खामखा ये सहमत नहीं करनी पड़ती। मैं भी तो कोई अजनबी नहीं हूँ ना। आई मीन, जैसे आप अपनी फ्रेंड से कुछ भी कह सकती हैं, सिमिलरली दयान भी मुझसे कुछ भी कह सकता है। आप तो मेरे लिए बिल्कुल भी गैर और अजनबी नहीं है, बल्कि अपनों से भी बढ़कर। जी जी, दयान के एक्सीडेंट पर जिस तरह से आपने दिन रात बुलाकर हमारी फैमिली का साथ दिया था, वो सब नाकाबिले फरामोश है। कम से कम मेरे लिए तो आपने जिंदगी भर का एहसान कर दिया। आप उसे एहसान का नाम क्यों दे रही हैं? वो मेरा फर्ज था, लेकिन आपके अल्फाज मेरे लिए बहुत कीमती हैं। क्या बात है मिस्टर ताकी, आजकल दुआ के साथ बड़ा उसका साया बन के घूम रहे हो। तुम दुआ के दोस्त हो या दाई के? मुजरा प्लीज, इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये दयान के दोस्त हैं और इनकी बहुत इज्जत करती हैं। इज्जत? लेकिन मैं किसी ऐसे शख्स की इज्जत नहीं करता, और तुम मेरे साथ जा रही हो। मुजरा, आप इस सारी सिचुएशन को बहुत गलत ले रहे हैं। मैं आपको पहले भी वाजे कर चुकी हूँ कि आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे रास्ते बिल्कुल जुदा हैं, और आपका और मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा जिसकी वजह से मैं आपके साथ चल पाऊँ। अच्छा, तो दुआ, तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है जो तुम इसके साथ जा रही हो? और अगर तुम इसके साथ जा सकती हो तो मेरे साथ जाने में क्या हर्ज है? आप चाहते क्या हैं? तुमसे बात बचाई गया है? आप किर्चिया, हमारी यादों की, हमारे रिश्ते की, जो मुझे बहुत तकलीफ देती है दुआ, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चल के उनको समेटो। And you, watch out. तकी, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। ये दो आपके साथ जा रही हूँ। दुआ, आप अपनी मर्जी की मालिक हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूँगा कि एक बार सोच लीजिए। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं घर पहुँच जाऊँगी खैरियत से।
जैसे आपकी मर्जी। आपने आपने मेरी गुजारिश सुनी नहीं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज दयान को मत बताइएगा कि मैं सजाव के साथ गई हूँ। आप उसको बस ये कह दीजिएगा कि मैं किसी दोस्त के घर चली गई हूँ। प्लीज थैंक यू। I think ये तो तुम्हारा most favorite track है। मुझे आज तक याद है जब हम लोग long drive पे जाया करते थे, तुम काफी insist करती थी इस गाने के लिए। आज क्या हुआ? सर आप मैं आपके साथ ये सुनने नहीं आई। मैं कुछ और सुनना चाहती हूँ, कुछ और जानना चाहती हूँ। आपके दिल में क्या है? और जो कुछ आप मुझे सुना रहे हैं वो आपके दिल में नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह आपको और आपके अकायद को जानती हूँ मिस्टर मुस्तजाब। ये क्या हरकत है? क्या तमाशा है ये? For God's sake, दुआ, क्या मैं इतना बुरा हूँ जितना तुम कह रही हो? क्या जितना तुम समझती हो? मेरे फेथ पे शक है तुम्हें? क्या वाकई मैं इतना बुरा हूँ कि तुम्हारा फेथ भी नहीं अपना सकता? जिसे तुम तमाशा कह के मेरे मुंह पे थप्पड़ मार रही हो, For God's sake। जब मैंने ही दिली दिल में अपने खुदा को आवाज दी, उसने तो मुझसे नहीं बोला कि जाओ मुस्तजाब अहमद, कौन हो तुम, तुम्हारा फेथ क्या है? उसने मुझे बोला आओ आओ मुस्तजाब अहमद, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। उसके बाद जब मैं उसके घर गया, मुझे उसके घर का हर दरवाजा खुला हुआ मिला। मुझसे वहां किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारा फेथ क्या है, तो फिर ये क्या है दुआ? और तुम बोलती हो मैं फेक हूं, मेरे जज्बात मेरे फेथ को झूठा मानती हो? हेलो। हाँ तकी, क्या हुआ, पिक कर लिया? नहीं क्या हो गया, क्या हो गया तकी, तुझे किया कि नहीं किया पिक? आई मीन मैं गया था यूनिवर्सिटी लेकिन दुआ नहीं मिली। मिली थी लेकिन पागल तो नहीं हो गए हो? मिली थी नहीं लेकिन, ये सब क्या है? मुझे बताओ पिक किया कि नहीं किया यार? वो मेरे साथ घर जाने पर आमादा नहीं थी दाई, वो किसी और के साथ चली गई। क्या मतलब किसी और के साथ चली? कहाँ गई है, किसके साथ गई है? ताई तुम घर जाकर उससे ही पूछ लेना। यार मैं तेरे से पूछ रहा हूँ ना, मुझे बता कहाँ गई है, किसके साथ गई है? मुस्तजाब। What? तू जानता है तू क्या कह रहा है? ताकि मैंने तुझे एक जिम्मेदारी दी थी यार, बजाय इसी के तू उसको निभाता, तूने उस दुआ को मुस्तजाब के साथ जाने दे दिया। How could you do that? और तू मुझे अब बता रहा है यार? दाई मेरी बात तो सुनो। अरे मैं तुम्हारी क्या बात सुनूं यार, मैं तुमसे एक काम करता, तुमसे वो नहीं हुआ, कहां तलाश करूं यार, पता नहीं कहां गई होगी वो। दाई
एटलीस्ट मेरे फेथ को समझने की कोशिश करो तुम दुआ। किस फेथ की बात कर रहे हैं मुझसे दुआ, जिसका आप खुद मजाक उड़ाया करते हैं? याद करें, ये वही जगह है, वही मोड़ है जहां आपने मुझे नहीं बल्कि अपनी खुदा की जात को चैलेंज किया था। ये वही जगह है जहां तय पाया था अगर दयान को होश आ गया तो आप मुझे तलाक दे देंगे। दुआ, listen to me.